प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजु हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के अंदर प्रतिबल हमारा टॉपिक है, प्रतिबल के बारे में, प्रतिबल क्या होता है। तो ये हमारा चैप्टर 9वां है प्रतिबल, और चैप्टर हमारा 9वां है इसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण। तो हम चैप्टर 9 के अंदर ठोसों के जो यांत्रिक गुण हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिबल। इसे बोलते हैं स्ट्रेस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी प्रतिबल। तो ये जो हमारा टॉपिक है प्रतिबल वाला, ये क्या होता है, इससे पहले हमने अध्ययन किया था, स्टार्टिंग के अंदर हमने अध्ययन किया था विरूपक बल का, कि विरूपक बल क्या होता है या बाह्य बल क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है प्रतिबल, इसको पहले हमें ये इसमें समझना है कि जो प्रतिबल जो होता है वो किस तरह से, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे वस्तु में उत्पन्न होता है। देखो, अपने के बल पड़ा था, उसको नाम है विरूपक बल, विरूपक बल, इसको बाह्य बल भी कहते हैं, बाह्य बल। हमें सबसे पहले इसको ध्यान से समझना है कि भाई बाह्य बल किसे कहते हैं या विरूपक बल क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो भाई देखिए, विरूपक बल जो होता है वो क्या होता है, माना कोई वस्तु है, अगर हम किसी भी वस्तु के आकार में या उसकी आकृति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें उस पर बल लगाना पड़ता है। जैसे स्प्रिंग है, माना हम खींचते स्प्रिंग को, खींच जाती है बल लगाने से, और हम जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस सिकुड़ जाती है। तो हमने स्प्रिंग की आकृति में परिवर्तन करने के लिए हम जो बल लगाते हैं उस बल को कहा जाता है विरूपक बल, या उसको कहा जाता है बाह्य बल। तो आप समझ गए कि किसी भी वस्तु की आकृति में या उसके आकार में परिवर्तन करने के लिए जो बल लगाया जाता है उस बल को बाह्य बल या विरूपक बल कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बाह्य बल की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो समझ गए कि किसी वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे हम विरूपक बल या बाह्य बल कहते हैं। अब देखो, प्रतिबल की बात करें, प्रतिबल क्या होता है, तो प्रतिबल होता है कि जैसे कोई पदार्थ है, हम किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाएंगे, क्यों, उस पदार्थ की हम आकृति या उसके आकार में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए हम उस पर बाह्य बल लगाते हैं। तो देखो, जैसे मानो कोई पदार्थ है, अगर हम उस पर बल लगाया है उसकी आकृति में परिवर्तन करने के लिए, तो प्रतिबल को हम कह सकते हैं कि प्रतिबल होता है, प्रतिबल बराबर होता है प्रतिक्रियात्मक बल, प्रतिक्रियात्मक बल या बाह्य बल, या इसका एक नाम होता है विरूपक बल, या विरूपक बल, और बटे में होता है एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, उसके एकांक एरिया के ऊपर जो प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, या जो बाह्य बल लगता है, या जो विरूपक बल लगता है, उसी को ही प्रतिबल कहा जाता है। तो भाई, ये इस प्रतिबल की परिभाषा है। तो बहुत ही इजी, आसान परिभाषा है। तो अपन कह सकते हैं क्या, कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, उसके एकांक एरिया पर जो बाह्य बल लगता है, जो विरूपक बल लगता है, उसी को ही प्रतिबल कहा जाता है। और ये हमने पहले बात बता दें कि बाह्य बल क्या होता है, ये सब इसी के नाम है, बाह्य बल भी इसी कहते हैं और प्रतिक्रियात्मक बल भी इसे ही कहा जाता है। तो ये इसकी मूल परिभाषा है प्रतिबल की। तो प्रतिबल क्या होता है कि प्रतिक्रियात्मक बल या बाह्य बल और किसी वस्तु के एकांक जो एरिया होता है उसका अनुपात है, उसे ही प्रतिबल कहा जाता है। अभी जो प्रतिबल है ये तीन प्रकार का होता है। दो कैसे कैसे,
तो हम आज्ञा अध्ययन करते हैं इसी प्रकार का। तो ये जो हमारा प्रतिबल है ये भाई तीन प्रकार का होता है। दो कैसे कैसे, इसका पहला जो प्रकार होता है नंबर एक पर आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जी हाँ, नंबर एक पर आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और नंबर दो पे आता है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल और नंबर तीन पे आता है स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय प्रतिबल, तो भाई प्रतिबल जो होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और तीसरा होता है स्पर्शीय प्रतिबल। इस प्रकार से प्रतिबल तीन प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य, अभिलंब और स्पर्शीय प्रतिबल। अब जो आगे हम एक एक की बात करेंगे कि भाई अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल क्या होता है और स्पर्शीय प्रतिबल क्या होता है। देखो हम एक एक की बात करेंगे आगे। तो हम पहले अब इसका अध्ययन करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल का, कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहा जाता है, क्या होता है। तो नंबर एक पर आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसका पहला प्रकार है भैया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये होता है सेम परिभाषा है, बाह्य बल यानी वस्तु की लंबाई के अनुदिश, वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल या बाह्य बल और बटे में है इसका एकांक क्षेत्रफल। तो देखिए अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल या जो बाह्य बल जो होता है, यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल या लगने वाले प्रतिक्रियात्मक जो बल होता है उसे ही अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल की। जैसे अपने से माना कि कोई तार है, माना कि एल लंबाई का तार है, अपने यहाँ पे बल लगाया, माना इसकी तार की लंबाई माना कि एल, इसमें वृद्धि हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, तो हम तार की लंबाई के अनुदिश बल लगा रहे हैं। तो तार की लंबाई के अनुदिश जो बल लगता है, बल कहाँ लगेगा, बस इस तार के एकांक एरिया पर। तो किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश उसके एकांक एरिया पर जो प्रतिक्रियात्मक जो बल लगता है, जो बाह्य बल लगता है, उसे ही भाई अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। तो आप समझ गए होंगे। नंबर हम दो पे बात करें, नंबर इसका दूसरा प्रकार आता है अभिलंब प्रतिबल। देखो वो क्या होता है, तो अब दूसरा प्रकार की हम बात करें अभिलंब प्रतिबल। तो दूसरा इसका प्रकार आता है भाई अभिलंब प्रतिबल। देखो अभिलंब जो प्रतिबल है वो क्या होता है, सेम वही बात है। यहाँ पे क्या होगा कि किसी वस्तु के एकांक एरिया पर लगने वाले अभिलंब जो बल लगता है, जैसे अपने से मान लें, माना किसी कोई वस्तु ऐसे मान लो इस प्रकार की, माना कि ये कोई इस प्रकार की वस्तु है, माना हम इस वस्तु के इस तरह से इसके लंबवत अभिलंब इसके बल लगा रहे हैं,
इस प्रकार से, तो किसी वस्तु के एकांक एरिया पर अभिलंब जो बाह्य जो बल लगता है, अभिलंब जो प्रतिक्रियात्मक जो बल लगता है, उस बल को ही अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है। यानी अपन कह सकते हैं बटे में आ जाएगा एकांक क्षेत्रफल और यहाँ आ जाएगा अभिलंब बाह्य बल। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब जो बाह्य बल होता है उसी को ही अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है। तीसरा प्रकार इसका आता है स्पर्शी प्रतिबल। जो इसका तीसरा प्रकार देखो क्या होता है, स्पर्शी जो प्रतिबल है उसमें हम जो बल लगाते हैं, जो हम बाह्य बल लगाते हैं, वो बाह्य बल उस वस्तु को स्पर्श करते हुए लगता है। जैसे इसका तीसरा प्रकार है स्पर्शीय प्रतिबल, ये इसका तीसरा प्रकार है भाई स्पर्शीय प्रतिबल। तो ये होता है भाई स्पर्शीय बाह्य बल, स्पर्शीय बाह्य बल बटे में एकांक क्षेत्रफल। तो भाई देखो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर स्पर्श रूप में जो बाह्य बल लगता है उसके अनुपात को ही हम स्पर्शीय प्रतिबल कहते हैं, स्पर्शीय प्रतिबल कहा जाता है। तो भाई ये था तीन प्रकार का प्रतिबल। और ये जो हमारा जो प्रतिबल होता है भाई, इसका जो मात्रक होता है, इसका चूंकि ये बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रतिबल है, चाहे प्रतिबल कोई सा भी हो, चाहे प्रतिबल अनुदैर्ध्य हो, चाहे प्रतिबल स्पर्शी हो और चाहे प्रतिबल अभिलंब हो, प्रतिबल बराबर एक कॉमन सूत्र आता वो आता है बल बटा क्षेत्रफल। तो भाई इसका जो ऐसे जो मात्रक होता है वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। अगर तो हम इसकी विमा की बात करें कि प्रतिबल की विमा क्या होगी, देखो तो यहाँ लगाएंगे बल की विमा जो क्या होती है m1 l1 t-2, और बटे में लगाएंगे क्षेत्रफल की विमा जो क्या होती है l2। तो l2 पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी भाई। तो ये इसकी विमा आ जाएगी m1 l-1। देखो ये घात माइनस की दो और ये प्लस की है, क्या बचेगी, माइनस की बचेगी। तो m1 l-1 और t-2, तो इस प्रकार से ये इसकी विमा आ जाएगी। तो ये इसका मात्रक होता है, ये इसकी विमा होती है, और तीन प्रकार का ये होता है। हमने आपको बता दिया कि प्रतिबल मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, जैसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया, स्पर्शी प्रतिबल हो गया, अभिलंब प्रतिबल हो गया। तो ये तीन प्रकार का प्रतिबल होता है। इसकी मुख्य परिभाषा यहाँ से निकलेगी कि कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर जो बाह्य बल लगता है, जो प्रतिक्रियात्मक जो बल लगता है, जो विरूपक बल लगता है, उसे ही प्रतिबल कहा जाता है। और बल के हिसाब से जैसे जैसे बल लगता है उसके हिसाब से तीन प्रकार का होता है। देखो अगर किसी वस्तु बल लगता है अभिलंब बल लगता है लंबाई अनुदिश, तो वह तो हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि बल लगता है अभिलंब तो वो हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल, और यदि बल लगता है स्पर्शी रूप में तो वो हो जाएगा स्पर्शीय प्रतिबल। इस प्रकार से तीन प्रकार का होता है। और इस हम क्लास में इतना अध्ययन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू।